अच्छा, कितनी भी साफ सफाई करो, महीने दो महीने में रद्दी का ढेर लग ही जाता है। फिर बेचते समय रद्दी वाले से झिकझिक करो। घर की सफाई करते करते रुचिका बड़बड़ाती जा रही थी। अभी पिछले महीने जब घर की लाइब्रेरी की सफाई की तो ढेर सारी पुरानी पत्रिकाएं निकली और बच्चों के कमरे से निकली पुरानी किताबें और रफ कॉपियों को रुचिका ने गैलरी में इकट्ठा करके रख दिया। रविवार को जब रद्दी वाला आया तो उसने गैलरी से सारी रद्दी निकालकर उसके सामने रख दी। हाँ भैया, कितने रुपए दोगे इसके? रुचिका रद्दी वाले से बोली। दीदी जी 40 रुपए हुए इतनी रद्दी का, रद्दी वाला बोला। अरे भैया, अच्छी लूट मचा रखी है आपने, 12-15 किलो रद्दी का केवल 40 रुपए? अरे कम से कम 100 रुपए तो दो, रुचिका बोली। एक बात कहूं दीदी, बुरा मत मानिएगा, छोटे मुंह बड़ी बात होगी, आपको 10-20 रुपए कम मिले तो आपको और आपके परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर इन्हीं छोटी छोटी कमाई से मेरे परिवार की गुजर बसर होती है दीदी, मैं नहीं कमाऊंगा तो बहुत फर्क पड़ेगा दीदी। रद्दी वाले की बात सुनकर रुचिका निशब्द हो गई थी। अगली बार से जब भी रद्दी इकट्ठा होती, रुचिका रद्दी वाले के सामने रख देती। वो जितने भी पैसे देता चुपचाप रख लेती और मुस्कुरा देती। दोस्तों, आप सुन रहे थे अंजलि खेर जी की लिखी लघु कथा फर्क तो पड़ता है। हां, कहीं कहीं बहुत फर्क पड़ जाता है और कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं। बात इस कथा के माध्यम से सिर्फ एक इशारा भर है कि जहां जहां हमें फर्क पड़ना चाहिए वहां हम परवाह नहीं करते, और जहां हमें परवाह करनी चाहिए वहां हम कुछ ज्यादा ही परवाह कर जाते हैं, पर फर्क उन्हीं जगहों पर पड़ता है। ये कथा ये नहीं कहती कि हम किसी की मनमानी चलने दें, पर यह कथा ये जरूर कहती है कि बुद्धिमानी का इस्तेमाल जरूर करें, जहां फर्क पड़ता है वहां परवाह न करें, जहां छोटी छोटी कमाई से फर्क पड़ता है वहां जरूर परवाह करें। लाइक करके अपनी पसंदगी जरूर बताइएगा, कैसी लगी आपको ये लघु कथा, कमेंट्स दीजिए। कभी कभी आपके जीवन में ऐसे अनुभव हुए हों तो साझा कीजिए और शेयर जरूर कीजिए एक अच्छे विचार को ज्यादा से ज्यादा, ताकि परवाह बढ़ने लगे, है ना। कहानियों के अगले मोड़ पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।